बहुत इंपॉर्टेंट है कोलबे अभिक्रिया, या इसे कोलबे स्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या होती है कोलबे अभिक्रिया या कोलबे स्मिट अभिक्रिया? आसान सा रिएक्शन है, ध्यान से समझना आप। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड होगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर जब ओ होता है तो इसे कहते हैं फिनॉक्सी ग्रुप, और एन ए भी आ गया तो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। सोडियम फिनॉक्साइड को आपको सी ओ टू के साथ गर्म करना है, इसे गर्म करेंगे हम सी ओ टू के साथ, टेम्परेचर होगा 400 केल्विन या 125 डिग्री सी भी कह सकते हो, और दाब होगा लगभग 6 ATM। तो ये जो सी ओ टू है ये ऑक्सीजन और एन ए के बीच में आ जाएगा, इस तरह का एक इंटरमीडिएट कह दो या कंपाउंड बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। ओ टी डबल ओ ग्रुप आ गया यहाँ, टी डबल ओ सी ओ टू एन ए, ये अनस्टेबल है, इसमें होगा रीअरेंजमेंट। यानी पुनर्विन्यास, और पुनर्विन्यास होने से क्या होगा, ये जो H होता है यहाँ, ये H तो चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ और सी डबल एन ए ग्रुप आ जाएगा इसके ऊपर, इस तरह का कंपाउंड बनेगा बेंजीन रिंग, और O के पास तो चला गया ये H नीचे से उठ के यहाँ से, और यदि यहाँ सी डबल ओ H होता ना तो ये होता ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यदि H होता तो, पर यहाँ H तो नहीं है, यहाँ क्या है एन ए है, ठीक है, जिसे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट बनाया, क्या बना सोडियम साल्ट, इसे सोडियम सैलिसिलिक एसिड भी तो कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को, तो सोडियम सैलिसिलेट कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं सोडियम सैलिसाइलेट। अब ये जो सोडियम सैलिसाइलेट है यदि आप इसे HCl द्वारा अम्लीकृत करोगे, अम्लीय बनाओगे माध्यम को, तो ये Na रिमूव हो गया चला जाएगा और सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा आपको, ये मिल गया सैलिसिलिक एसिड सी डबल ओ एच। सैलिसिलिक एसिड को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हो आप। तो ये होती है कोलबे अभिक्रिया या कोलबे स्मिट अभिक्रिया, जिसमें हम सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड से क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड। लिखना क्या है, इसे कहते हैं हम कोलबे या कोलबे स्मिट अभिक्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो।